नमस्कार। भारत और इंग्लैंड के बीच चौथे टेस्ट मैच में भारत ने इंग्लैंड को 5 विकेट से हरा दिया। रांची में खेला गया ये मैच बहुत ही रोमांचक मैच रहा। कभी इंग्लैंड का पलड़ा भारी तो दूसरे क्षण भारत का पलड़ा भारी, और अंत तक ये सस्पेंस बना रहा कि कौन ये मैच जीतेगा, भारत या इंग्लैंड। और आखिरकार भारत ने 5 विकेट से इंग्लैंड को हराकर 3-1 से ये श्रृंखला जीत ली है, और आखिरी मैच अब धर्मशाला में 7 मार्च से खेला जाएगा। लेकिन उस मैच का इस श्रृंखला के नतीजे पर अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भारत ने श्रृंखला 3-1 से जीत ली है। जब इंग्लैंड ने टॉस जीता तो पहले खेलने का निर्णय लिया और उनकी विकेट्स बहुत जल्दी जल्दी गिरती चली गईं। 112 रनों पर इंग्लैंड की 5 विकेट गिर गई थी, लेकिन उसके पश्चात जो रूट ने बहुत अच्छा खेल दिखाया, 122 रनों की पारी खेली और बेयर स्ट्रो के साथ मिलकर उन्होंने बहुत ही अच्छी साझेदारी दी, जिसकी बदौलत इंग्लैंड 353 रन बना पाया था। भारत के जब 7 विकेट गिरे थे तो कुल स्कोर था 177। तब इंग्लैंड के खिलाड़ी सपने देखने लगे थे कि वो ये मैच जीत गए हैं। जुरैल और कुलदीप यादव ने कहा, यारो अभी रुको, पिक्चर अभी बाकी है। तो उन दोनों ने मिलकर 8वीं विकेट की साझेदारी में 76 रन जोड़े, और इसी तरह से 9वीं विकेट में भी 40 रन जुड़े, और कुल मिलाकर 307 रन भारत ने बना लिए और इंग्लैंड को केवल 46 रनों की बढ़त मिली पहली पारी के आधार पर। और अब जब इंग्लैंड की दूसरी पारी शुरू हुई तो अश्विन और कुलदीप यादव ने जुरैल से ये कहा, मैं जाता हूँ इसकी मार के आता हूँ। समझ रहा हूँ भाई, तुमने तो अपना काम कर दिया, अब हमारा कमाल देखो। तो इंग्लैंड की पारी जो दूसरी इनिंग्स थी वो कुछ विशेष नहीं कर पाए और कुल 145 रन ही बना पाए। इंग्लैंड की जब दूसरी पारी शुरू हुई तो उनके 5 विकेट केवल 120 रनों पर आउट हो चुके थे, और आखिरी 5 विकेट में वो केवल 25 रन ही बना पाए। अश्विन ने 5 विकेट लिए और कुलदीप यादव ने 4 विकेट लिए। अश्विन ने 99 टेस्ट मैचों में 35वीं बार 5 विकेट लिए एक पारी में, जबकि इससे पहले अनिल कुंबले का रिकॉर्ड था, उन्होंने 132 टेस्ट मैचों में 5 विकेट लिए थे। भारत के सामने इंग्लैंड ने 192 रनों का लक्ष्य रखा। दूसरी पारी में रोहित और जायसवाल ने अच्छी शुरुआत की और 84 रन जोड़े। उसके पश्चात गिल ने बहुत अच्छी पारी खेली और उन्होंने अर्धशतक लगाया। गिल का ये छठा अर्धशतक था, और जब 5 विकेट गिर चुके थे और अभी काफी रन बनाने बाकी थे, गिल और जुरैल ने 72 रनों की साझेदारी दी और भारत को 5 विकेट पर 192 रन तक पहुंचाया। इस तरह से 5 विकेट से भारत ने ये मैच जीत लिया है। इस मैच में आकाशदीप भी खेले और आकाशदीप ने पहली पारी में 3 विकेट लिए, अच्छा प्रदर्शन किया, और आकाशदीप ने बुम बुम बुमराह की कमी नहीं अखरने दी। ऐसा लग रहा था कि जब आकाशदीप बॉलिंग कर रहे हैं तो उनके अंदर बुम बुम बुमराह की रूह थी। बुमराह ने आकाशदीप को कुछ टिप्स दिए थे और वो टिप्स उनके बहुत काम आए, जिसकी बदौलत उन्होंने पहली पारी में 3 विकेट लिए और अपनी जगह अब टीम इंडिया में पक्की कर ली है। जुरैल के पिता कारगिल वॉरियर थे और उन्होंने रात को सपने में आकर उससे कहा, बेटा एक सल्यूट तो बनता है, और जुरैल ने 90 रनों की पारी खेल सल्यूट दिखा दिया। भारतीय नौजवान बल्लेबाजों के बीच में बहुत अच्छा तालमेल रहा, बड़ी अच्छी कमराडरी रही। उन्होंने ये देख लिया कि अगर एक खिलाड़ी आउट हो जाता है तो दूसरा फिर सफल होता है, दूसरा आउट हो जाता है तो तीसरा सफल होता है। इस पूरी सीरीज में 4 टेस्ट मैचों में हमने देखा कि ये हमारे जो नौजवान खिलाड़ी हैं इन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, कुल मिलाकर टीम की तरह खेले। जुरैल ने एक बात कही कि उन्होंने इस टेस्ट मैच के लिए 7 दिन से पहले ही अपनी तैयारी शुरू कर दी थी। उन्होंने बॉलर्स को पढ़ा और
सोच लिया कि वो कैसे खेलेंगे। इसे कहते हैं स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क से काम नहीं चलता, स्मार्ट वर्क बहुत जरूरी है। आप चाहे विद्यार्थी हो, आप चाहे नौकरी करते हो या अपना बिजनेस करते हो, तो एक बात हमेशा याद रखना कि हार्ड वर्क सिर्फ काम नहीं आता, स्मार्ट वर्क काम आता है। और यही जुरैल ने दिखा दिया। और इसी के साथ हम आज का वीडियो यहाँ समाप्त करते हैं और अगले वीडियो के साथ हम फिर हाजिर होंगे। अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज का जो वीडियो है उस पर आप कमेंट्स जरूर कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और ये हमें ज़रूर बताइए कि आप हमारे वीडियो में क्या देखना चाहते हैं। नमस्कार।